अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के आग्रह पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें हाईकोर्ट ने प्रदेश के 5 शहरों में पूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार का यह मानना है कि न्यायपालिका ने कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में दखल दिया है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार का यह भी मानना है कि जीवन के साथ साथ आजीविका को बचाना भी जरूरी है, और प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए बताया है कि क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं प्रदेश में कोरोना संक्रमण के फैलने की दर को रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर योगी सरकार और इलाहाबाद हाईकोर्ट आमने सामने आ गए हैं, जहां एक ओर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के 5 शहरों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन का आदेश दिया था, तो वहीं योगी सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। यूपी सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि लॉकडाउन से निपटने के लिए सरकार और कदम उठा रही है, लॉकडाउन समस्या का हल नहीं है, सरकार कोरोना से निपटने के लिए कड़े कदम उठा रही है। योगी सरकार ने अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट में पूरी मजबूती से रखते हुए कहा कि लोगों की जान बचाने के साथ उनकी जीविका बचाना भी बहुत जरूरी है। कोविड-19 के लगातार बढ़ते मामलों को देख योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन में दिख रही है। कोरोना से निपटने के लिए कड़े नियमों का ऐलान किया गया, जिसके तहत अब यूपी में वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाएगा। वीकेंड लॉकडाउन लगाने की घोषणा के बाद शनिवार और रविवार को ही यूपी पूरी तरह से बंद रहेगा। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही काम करने की इजाज़त दी जाएगी, जिससे लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। सब्जी और मेडिकल स्टोर को खोलने की इजाज़त होगी। मॉल, स्पा, जिम और शॉपिंग सेंटर पूरी तरह से बंद रहेंगे। सरकार की कोशिश है कि वीकेंड लॉकडाउन लगाकर कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके, जिससे संक्रमण कम से कम फैले और कोरोना को नियंत्रित किया जा सके। सरकार ने प्रशासन को सख्त आदेश दिए हैं कि वीकेंड लॉकडाउन को पूरी सख्ती से लागू करवाया जाए, नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, किसी को भी नहीं छोड़ा जाए, सामाजिक दूरी का पूरी तरह से ध्यान रखा जाए। लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों में कोरोना मरीजों की संख्या में काफ़ी तेजी देखी जा रही है, जिसको देखते हुए यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार ने अपने नए आदेश में कहा है कि सार्वजनिक रूप से थूकने पर 500 रुपये का चालान काटा जाएगा, और अगर कोई बिना मास्क लगाते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सख्ती का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगर कोई दूसरी बार बिना मास्क पकड़ा जाता है तो उसका 10,000 रुपये का चालान काटा जाएगा। ऐसी ही घटना उत्तर प्रदेश के देवरिया में देखने को मिली, जहां एक शख्स को दूसरी बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का चालान काट दिया गया। देवरिया देश का पहला ऐसा मामला है जहाँ बिना मास्क घूमने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। योगी पूरी तरह से फॉर्म में है। प्रशासन को साफ साफ आदेश दे दिए गए हैं कि कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाए, किसी को भी किसी सूरत में नहीं बख्शा जाए। जहां तक उत्तर प्रदेश में कोरोना के ताजा संक्रमण के आंकड़ों की बात है तो हम आपको बता दें कि लगभग 30,000 नए मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। 163 लोगों की मृत्यु हो गई है, और इसके साथ ही जैसा कि हमने आपको इस रिपोर्ट में बताया कि सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। आपको सुनवाते हैं उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी इस बारे में क्या बता रहे हैं। कुछ बगल के प्रदेशों में जो है बंदी या लॉकडाउन की स्थिति रही है, तो गाजियाबाद में, नोएडा में, झांसी में,
बाकी सब जनपदों में उन्होंने सभी प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों को और रोडवेज को भी निर्देशित किया है कि हर हालत में कोई भी व्यक्ति ऐसा अगर बाहर से आ रहा है तो उसको बहुत सेफली सुरक्षित घर तक पहुंचाया जाए, ज़रूरत पड़े तो जो भी व्यवस्था करनी हो वो की जाए, ये भी निर्देश दिए हैं। और हम लोगों ने सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को आदेश दिया है, अभी गाज़ियाबाद में कल कुछ भीड़ बढ़ी थी, रात भर कम से कम 1200 से 1400 बसेस लगाकर गाज़ियाबाद में जो भी व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर रोडवे स्टेशन पर आया था उनको सुरक्षित घर भेज दिया गया। ये हम कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे, कहीं भी कोरोना के कारण अगर कोई कामगार और श्रमिक आएगा तो सेफली उसको घर पहुंचाया जाएगा, ज़रूरत पड़ेगी तो उसको होम क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, अन्यथा अपने गाँव के जो भी आइसोलेशन में व्यवस्था होगी पंचायत घर में या विद्यालय पर उस पर भी वो करेगा। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में जो है फॉगिंग और पूरे प्रदेश में जो फायर डिपार्टमेंट द्वारा सफाई का अभियान किया जा रहा है इसका भी निर्देश दिया गया है। और फायर डिपार्टमेंट आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से व्यापक रूप से नगर निगमों के सहयोग से अर्बन एरियाज में जो है फॉगिंग और सफाई के अभियान चालू किए हुए हैं। पुनः हमारा ये जो है कहना है कि जो लॉकडाउन की बात की जा रही है 2 दिनों का पूरा जो है बंदी रहेगी, शाम को रात को पूरी तरह से बंदी रहेगी, लोग अनुसरण करें, खुद इसको माने, मास्क अवश्य पहने, 90% से ज़्यादा प्रॉब्लम मास्क पहनने से हर व्यक्ति की सॉल्व हो सकती है, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मास्क पर जुर्माना भी चलेगा, विशेष ड्राइव भी चलेगा और हर जनपद में विशेष रूप से शहरों में पुलिस जगह जगह जाकर इसको चेक करेगी और चेक करने के बाद यदि आवश्यकता पड़ेगी तो जुर्माना भी मौके पर ही भारी जुर्माना जो है करने की कार्रवाई करेगी।